कैबिनेट ने सरोगेसी नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में सरकार ने कई सख्त नियम तय किए हैं। दरअसल सरोगेसी तकनीक में महिला की कोख किराए पर ली जाती है और उसमें पुरुष के स्पर्म से भ्रूण विकसित किया जाता है। अभी तक इसे लेकर देश में कोई कानून नहीं था, जिस वजह से भारत सरोगेसी का हब बनता जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने सरोगेसी नियम विधेयक बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक केंद्र पर नेशनल सरोगेसी बोर्ड, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक स्टेट सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिल कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने और निसंतान दंपति को नियमों के मुताबिक सरोगेसी की इजाजत देने के लिए लाया गया है। सरोगेसी के दुरुपयोग पर सुषमा ने कहा कि जो चीज जरूरत के नाम पर शुरू की गई थी वो अब फैशन बन गई है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कई सितारों ने सरोगेसी का सहारा लिया था, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था, इसलिए सरकार के लिए सरोगेसी बिल लाना मजबूरी बन गया था। विदेश मंत्री ने कहा कि बड़े सितारे, जिनके ना सिर्फ दो बच्चे हैं बल्कि एक बेटा और बेटी भी है, वो भी सरोगेसी का सहारा लेते हैं। सिंगल पेरेंट्स, होमोसेक्सुअल कपल, लिव इन में रहने वाले लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं NRI को भी देश में सरोगेसी की इजाजत नहीं दी गई है। हाई प्रोफाइल लोगों में सरोगेसी का चलन काफी बढ़ता जा रहा है, फिलहाल आम आदमी इससे काफी दूर है, और अब बिल की मंजूरी से इस पर कितनी लगाम लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए DB Live।